top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आज दो मसलों पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. सौरभ भाई अभी थोड़ी देर बाद, जो एक नया षड्यंत्र चल रहा है उस पर पार्टी का पक्ष रखेंगे. आप सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों एक खबर आई, खबर गुजरात से थी. राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जब अपना पर्चा भरा तो उनके प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति का पूरा हिसाब किताब ब्यौरा उसमें था. हिसाब किताब ब्यौरा यह था कि 5 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन 8 करोड़ के आसपास थी और इस बार जब उन्होंने अपना ब्यौरा दिया तो वो करीब 34 करोड़ के आसपास पहुंच गए. इसका मतलब हुआ कि 300% की वृद्धि उसमें हुई. इसमें कोई गलत बात नहीं है. कोई भी आदमी किसी की भी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है और अगर कोई आदमी ईमानदारी से अपना धंधा कर रहा है, ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अगर अपना अपने पैसे बढ़ा रहा है, सरकार को इनकम टैक्स दे रहा है, टैक्स की कोई चोरी नहीं हो रही है और कोई इलीगल तरीके से पैसा नहीं बनाया जा रहा है तो उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी मुझे नजर नहीं आ रही. लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर छपी, डीएनए की वेबसाइट पर छपी, आउटलुक हिंदी की वेबसाइट पर छपी और तकरीबन 2 घंटे के बाद वो खबर तीनों जगह से गायब हो गई. तो इसमें 2 सवाल हैं. क्या 300% की वृद्धि गलत तरीके से हुई है, बेईमानी से पैसा कमाया गया है, काला धन है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स क्रिएट किए गए हैं, जो उनकी आय के साधन है उसके मुताबिक वो फिट नहीं बैठते हैं, क्यों हटाया जाए? भाई अगर मैं ईमानदारी से अगर पैसा कमाता हूं तो कोई भी आदमी एजेंसी आकर उसको चेक कर सकता है, उसको हटाने का कारण समझ में नहीं आ रहा. तो एक तो यह है कि वो हटी तीनों जगह से और ऐसे में प्रेस की भूमिका बड़ी संदिग्ध हो जाती है. कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार, जैसी वेबसाइट, डीएनए जैसी संस्थान की वेबसाइट और आउटलुक, ये तीनों ही अपने आप में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, इन लोगों ने वो खबर क्यों हटाई और जो हटी उसका कहीं कोई कारण नहीं दिया गया. तो क्या यह माना जाए कि अमित शाह जी की जो प्रॉपर्टी के डिटेल्स दिए गए थे वो गलत थे, उसकी स्क्रूटनी ना हो पाए, जनता के बीच में उसकी जांच पड़ताल ना हो पाए इसलिए वो हटाया गया या हटवाया गया? अगर मीडिया ने विवेकपूर्ण तरीके से अपने स्तर पर अगर हटाया तो उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या उसकी सफाई वहां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी अपने पाठकों के प्रति होती, दर्शकों के प्रति होती. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए और आउटलुक ने किसी तरीके की कोई सफाई वहां नहीं दी. इसका मतलब यह है कि मीडिया के ऊपर दबाव डाला गया और दबाव में वो खबर हटवाई गई. ये ज्यादा बड़ा गुनाह है. इसका मतलब यह है कि मीडिया हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्र नहीं है, वो अमित शाह की प्रॉपर्टी के डिटेल्स नहीं दे सकती या उसको नहीं देने दिया जा रहा. और अगर मीडिया इस देश के अंदर स्वतंत्र नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ईमेल प्रसारित हुआ है. मुझे नहीं मालूम उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, मुझे नहीं मालूम वो सच या गलत है. अगर वो सच है तो इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से स्थापित कर देता है कि दबाव के अंदर उस खबर को हटवाया गया, गिरवाया गया. और अगर उस ईमेल को अगर आप किनारे में रख दीजिए तो
तो भी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन परिस्थितियों से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक, ऐसे क्या कारण है कि अमित शाह की 300% की संपत्ति की वृद्धि की खबर को हटाया गया? इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, अन्यथा हटाने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर नहीं कोई कारण है तो अमित शाह जी को सामने आना चाहिए और उनको सफाई देनी चाहिए। और दूसरा, मीडिया ने जिस तरीके से खबर गिराई है, हटाई है, वो भी अच्छी बात नहीं है। वह कहते हैं तो जनता के बीच में आए और स्पष्ट करें कि वो 300% की जो वृद्धि हुई है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कैसे बढ़ी है, स्पष्ट करें उसको, और क्यों उसको हटवाने की जरूरत पड़ी है और क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले दिनों जब डिमोनेटाइजेशन का मामला आया था तो गुजरात में कोई रमेश शाह नाम के आदमी का नाम सामने आया था जिन्होंने क्लेम किया था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी चीजें उनके पास और अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तो उस वक्त भी अमित शाह जी का नाम और उनसे नजदीकी उछली थी और कभी किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। और दूसरी बात, हम मीडिया से यह निवेदन करते हैं कि वो अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाएं, सरकार के दबाव में काम न करें, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आज मोदी जी की सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, तब जनता उनसे सवाल पूछेगी और वैसे आज भी सवाल पूछ रही है।